सभी को बहुत बहुत आभार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और जोहार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बाहर कितनी गर्मी है और इस गर्मी में इतनी भारी संख्या में खास करके हमारी जितनी दीदी बेटी माताएं बहने चाची ताई सब लोग आई हैं, उनको सबसे पहले धन्यवाद दीजिए, क्योंकि झारखंड की आधी आबादी हमारी माननीय हमारी देवी जी की अगुवाई में ये सभा होने जा रही है और आप लोगों का यह हमको यहाँ आशीर्वाद मिल रहा है और दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं? दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा। बाबा देखिए, सबसे अच्छी बात हमारे भाई दादा भी यहाँ पर मैं दीदी लोग के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं और ये देख के बहुत मन हर्षोत्सव उत्साहित हो जा रहा है कि ये योजना खास करके मैया सम्मान योजना अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे लगता है कि जिस तादाद में लाखों की संख्या में हमारी दीदी बहनों के अकाउंट में हजार टका गया है, ये हजारों हजार आशीर्वाद हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मिलने वाला है। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से चिल्ला के बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आशीर्वाद? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये वही हेमंत सोरेन है जो मैं बताना चाहूंगी कि 5 महीने इनको जेल में डाला था और ये योजना की शुरुआत हेमंत जी ने पहले ही कर ली थी। आज आपको इस योजना का दूसरा किस्त मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी आपका 7वां किस्त होता। 5 महीने आप जोड़ लीजिए, 5 महीने पहले हेमंत जी इसकी पूरी तैयारी कर चुके थे। आज आपके अकाउंट में 7 से 8 हजार रुपए होता और ये जो हमारी योजना को हमारी बहनों के पास नहीं पहुंचने देने का काम है, इसका सारा काम बीजेपी वालों की सोच है। इन्होंने हेमंत जी को जेल के अंदर में नहीं डाला, इन्होंने हमारी झारखंड की हमारी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जेल में डालने का काम किया है। एक भाई अपनी बहन को स्वावलंबी बनाना चाहता है, ये उस सोच को जेल में डालने का काम किया है। ये इतनी क्रांतिकारी योजना है जिससे आज हमारी बहनों के भाइयों के सबके चेहरे में खुशी दिख रही है। और जब आप जानते हैं आदमी अपने सुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, दूसरों के चेहरे को देख करके होता है और यही बीजेपी की सोच है। वो नहीं चाहते कि हमारी माताओं बहनों के अकाउंट में 1000 टका आए। जैसे ही हमने मैया सम्मान योजना की पहली किस्त दी, बीजेपी के कुछ लोग हैं PIL मास्टर, उनकी यहाँ झारखंड में झारखंड भी सरकार कुछ भी योजना अगर लाए उसमें PIL कर देना है। मैया सम्मान योजना इसके लिए PIL कर दिया। मैं आप माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, क्या मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं या नहीं है? खुश है या नहीं है? खुश है या नहीं है? जब है तो दिखा देना है जवाब उन लोगों को जो हिमाकत करते हैं हमारी बहनों की योजनाओं में PIL
आपको पता ही होगा, जब पहली बार मैं गढ़वा आई थी तो मैं आपको बताना चाहती हूं, उस समय मैं आई जरूर थी लेकिन हमारे हेमंत जी जेल के अंदर में थे। और आज मैं यहां आई हूं और हमारे हेमंत जी आपके भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आज झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री बनकर हमारे हर एक लोगों को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, सबको ताकत देने का काम कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, जेल से आने के बाद तुरंत ही हमारी इस योजना का आरंभ हुआ। और इस योजना में जब हम लोग रांची में कार्यक्रम कर रहे थे तभी एक और खुशखबरी आई थी कि मैया सम्मान योजना जो पहले 21 वर्ष से शुरू होकर के 50 वर्ष तक थी, रांची की सभा में इसे 18 वर्ष की बच्चियों को जोड़कर, सो 18 से लेकर के 50 वर्ष की जितनी बेटी दीदी महिलाएं हैं उन सब लोगों को ताकत देने के लिए ₹1,000 आप लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि चुनाव का समय आ गया है इसीलिए ये लोग अपनी योजनाओं को शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू होती है, महाराष्ट्र में शुरू होती है, उड़ीसा में शुरू होती है, तब वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है और वहां का एक आदिवासी मुख्यमंत्री अपनी इस योजना से हमारे सभी बेटी दीदी बहनों को मजबूत करने का काम करता है तो वो असंवैधानिक हो जाता है, कोर्ट में PIL हो जाता है। अब आप लोगों को सबक सिखाना है कि जो इस योजना को PIL दिया है और उससे जितने हमारे BJP के लोग हैं जो आज हमारी दीदियों के विरोध में काम करते हैं, हमारी बेटियों के विरोध में काम करते हैं, हमारे बुजुर्गों के विरोध में काम करते हैं, तो चुनाव के लिए अब आप तैयार रहिएगा। ऐसे बिचौलिए सब आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो एक तरफ से PIL करेंगे, दूसरी तरफ से आपका वोट मांगेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने हाथों को अपने हृदय में लगा के सोचिएगा, जिस व्यक्ति ने इस झारखंड को उसकी गरिमा लौटाने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपने बड़ों को पेंशन देने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने बच्चों को सावित्रीबाई फूले से जोड़ने का काम किया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपका बिजली बिल माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने आपके हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ कराया है, जिस मुख्यमंत्री ने अपना हम लोगों के झारखंड को व्यक्तियों को अपना आवाज देने का काम किया है, जिस व्यक्ति ने अपने झारखंडी बच्चों को विदेश में पढ़ने का मौका दिया है, जिस व्यक्ति ने, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे भाइयों को रोजगार सृजन योजना से जोड़ा है, तो योजनाओं की आप भरमार है और इसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष को नहीं मिल रहा है, किसी धर्म विशेष को नहीं मिल रहा है, ये झारखंड के सभी मूल वासियों को मिल रहा है। चाहे वो कोई भी योजना हो, आप किसी भी योजना को उठा लीजिए, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो कल अपना
आपको जो आशीर्वाद देना है ये उस लड़ाकू आदिवासी मुख्यमंत्री को देना है, ताकि वो जिस तरीके की अभी हमारी योजनाओं की गंगा बहा दे रहे हैं, ऐसी अनवरत चलने वाली योजनाएं आने वाले वर्षों में आप लोगों को मिलते रहे। क्योंकि जिनके पिताजी विषम गुरु शिबू सोरेन हो, जिनका प्रतिबिंब आज आप हेमंत जी के चेहरे में देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि झारखंड माटी का पुत्र, झारखंड माटी की बेटियों के लिए, झारखंड लोगों की रोटी देने के लिए, झारखंड लोगों को सम्मान से जीवन देने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है। और ये वो लोग हैं जिनको ये सुहाता नहीं है कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड की छाती चीर करके हम लोग अपना लोहा, खनिज संपदा, यूरेनियम भारत सरकार को देते हैं, और इतना देने के बाद अगर हमारे मुख्यमंत्री हमारा झारखंड का अपना बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। धरती मेरी, खजाना मेरा, और तुम उसका रॉयल्टी चार्ज भी नहीं दोगे, और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम भी करोगे, तो झारखंड की जनता अब तैयार है, अब आप लोग तैयार हैं, क्योंकि झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, झारखंड को अगर सोना झारखंड करना है, तो आपको अपने हेमंत दादा के साथ, आपको अपने हेमंत बेटा के साथ खड़े रहना है। खड़े हैं कि नहीं है? सारी दीदी बहने, माता बहने, बताइए दादा खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इस बार जवाब देना है कि नहीं देना है? चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, झारखंड में अगर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? किसकी बनेगी? और हेमंत सोरेन, आपका क्या लगता है? क्या लगता है? दादा लगता है। तो इस दादा को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है, वो आज जितने मुख्यमंत्री लेना है लेकर के आ जाइए। झारखंड का वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, आने वाले समय में हेमंत सोरेन रहेगा और अनवरत सालों के लिए रहने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ हमारी सारी जनता खड़ी है। खड़ी है कि नहीं खड़ी है? तो इस बार इस सभा से आप सब माताएं बहने ये याद रखिएगा कि अगर आपके चेहरे में खुशी आ रही है तो हेमंत बेटा, हेमंत दादा के वजह से वो खुशी आ रही है। हम लोग उस योजनाओं को आपके समक्ष सब व्यक्तियों को पहुंचाने का काम करेंगे। बस दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देना है, आपको दुआएं देनी है, और वो प्रेम देना है जो एक भाई ने अपनी बहनों को दिया है, एक बेटा ने अपनी माँ को दिया है, और एक बड़े भाई ने अपनी छोटी बहनों को दिया है। तो मेरी तरफ से सभी को झारखंड की जोहार, और झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है? झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा है?
बहुत लोग भी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार, क्योंकि ये क्रांतिकारी अब आप लोगों की बारी है। और जितनी माताएं बहने यहाँ बैठी हैं, अब हम लोगों को संगठित होकर अपने दादा, अपने भाई, अपने बेटा के साथ में हमेशा खड़े रहना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक घर चलाने वाली एक माँ होती है, और माँ किस तरीके से अपने परिवार को समेटकर बुरी बलाओं से बचा कर रखती है, उसी तरीके से आपको हेमंत सोरेन जी को बचा करके रखना है, अपना आशीर्वाद भरपूर देना है। तो मेरी तरफ से मैं फिर दोबारा आप सभी को जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।